हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला के बारे में। ओके, तो देखिए, हमारे क्लिनिकल एनाटॉमी नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो कि आपको राइट साइड आई बटन पे मिल जाएगी। तो वहाँ मैं जो भी क्लिनिकल्स अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे क्लिनिकल्स आपको उस आई मीन क्लिनिकल्स नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो विंगिंग एक स्कैपुला बेसिकली होता क्या है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, वो नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है, वो बेसिकली होता कैसे है, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी या फिर हम जब भी आर्म का ओवर एबडक्शन करते हैं तब होगा, मतलब सारा का सारा समझेंगे जो भी आपके दिमाग में है, क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, हम पेशेंट्स में कैसे बताएं कि बेसिकली इस पेशेंट को विंगिंग ऑफ स्कैपुला है या नहीं है। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला, इसमें जो नर्व डैमेज होती है उस नर्व का नाम होता है, उसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, तो इसमें जो नर्व डैमेज होती है, नर्व का नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, अब बेसिकली लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये क्या होती है, मतलब क्या है, किसको सप्लाई करती है, तो देखिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसको आप पढ़ते हो ब्रेकल प्लेक्सिस के अंदर, मतलब क्यों, क्योंकि इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, ये तीनों रूट्स मिलके हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व बनाते हैं और बेसिकली ये तीनों रूट्स कहाँ होते हैं, ब्रेकल प्लेक्सिस के अंदर, तो वहाँ पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, हम इस नर्व के डैमेज होने के कारण होगा हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो देखिए, हम पूरे के पूरे विंगिंग ऑफ स्कैपुला को 4 पॉइंट के अंदर डिवाइड करेंगे कि बेसिकली जो नर्व डैमेज होती है उसकी मस्कुलर सप्लाई क्या होती है, मतलब कि ये नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि बेसिकली जो ये नर्व होती है ये हमारे थोरेसिक, जो हमारे थोरेसिक वाल होती है उसमें सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे मिलेगी आपको ये नर्व, इसीलिए इस नर्व के डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसकी मसल, इस नर्व की मसल की कौन सी मसल को सप्लाई करती है। सेकंड कि इसका क्या होता है, लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स। ओके, सेकंड होगा लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स। थर्ड क्या होगा, रीजन, कि बेसिकली हमारा इस नर्व के डैमेज होने के रीजंस क्या है, मतलब कि ये नर्व किन किन रीजन से डैमेज हो सकती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, रिजल्ट, कि आफ्टर द डैमेजिंग ऑफ दिस नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज होने के कारण हमें क्या क्या इफेक्ट, मतलब क्या चीज़ हमें पेशेंट में मिलेगी, क्या चीज़ हमें स्कैपुला में मिलेगी। ओके, तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर हम पूरा का पूरा विंगिंग ऑफ स्कैपुला कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उन 4 पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाए। तो सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे हम सप्लाई, कि बेसिकली जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ये किसको सप्लाई करती है। सेकंड पॉइंट के अंदर देखेंगे इसका क्या होता है, लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स। ओके, मतलब कि इस नर्व का क्या होता है, लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स, लॉन्ग मतलब बहुत लंबी होती है, लेंथ में बहुत लंबी होती है, और इसका क्या होता है, सुपरफिशियल कोर्स होता है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे मिलेगी तभी तो इसके डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम इसके रीजंस, कि बेसिकली ये नर्व कैसे कैसे डैमेज हो सकती हैं, तो डैमेज होने के रीजंस। देन फोर्थ में देखेंगे रिजल्ट, कि अब ये नर्व हमारी डैमेज हो गई तो हमें पेशेंट में कैसे पता करें कि बंदे को, पेशेंट को विंगिंग ऑफ स्कैपुला है या नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट में देखेंगे हम रिजल्ट। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर हम पूरा का पूरा विंगिंग ऑफ स्कैपुला कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं सप्लाई। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व, दिस इज सप्लाई टू सीरेटस एंटीरियर मसल, ये सप्लाई करती है हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल को। ओके, देखिए, हमने बोला सीरेटस एंटीरियर, तो बेसिकली सीरेटस पोस्टीरियर भी होती होगी, तो उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमारे बैक की मसल्स में पड़ते हैं उसको। तो सीरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है कौन, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि हम पढ़ते हैं ब्रेकल प्लेक्सिस के अंदर, तो इसको सप्लाई करेगी। और बेसिकली सीरेटस एंटीरियर मसल, इसका एक्शन क्या होता है, इसका एक्शन होता है कि ये हमारी स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती है। तो इसका स्कैपुला पे एक्शन क्या है, पुल स्कैपुला फॉरवर्ड, मतलब कि ये हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल होती है, नाम से यह एंटीरियर, मतलब कि एंटीरियर मतलब फॉरवर्ड, ये हमारी स्कैपुला को पुल करती है, कहाँ पे, फॉरवर्ड साइड। ओके, ये हो गया। और बेसिकली ये स्कैपुला पे अटैच कहाँ होती है, सीरेटस एंटीरियर मसल, ये हमारे स्कैपुला पे अटैच होती है मीडियल बॉर्डर। ओके,
मीडियल बॉर्डर पे भी कोस्टल सरफेस पे, तो दिस इज अटैच टू, आई मीन स्कैपुला पे अटैच होगी कहाँ पे? कोस्टल सरफेस। आपको पता होगा ना स्कैपुला की टू सरफेस होती है, एक होती है कोस्टल सरफेस, एक होती है डोर्सल सरफेस। मतलब स्कैपुला की वेंट्रल सरफेस बोल दीजिए या बोल दीजिए कोस्टल सरफेस, एक होती है डोर्सल। वेंट्रल एंड डोर्सल, वेंट्रल को ही बोलते हैं कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल, कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, तो कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ स्केपला, इस पे हमारी जो सीरेटस एंटीरियर मसल है ये अटैच होती है। तो ये मसल यहाँ पे हमारी अटैच होती है, ओके, स्केपला पे अटैच होती है। ओके, देखिए कोस्टल सरफेस पे होती है, डोर्सल सरफेस पे नहीं होती है। ओके, तो अब आते हैं बेसिकली, अब ये नर्व ये डैमेज क्यों होती है, क्योंकि इसका क्या होता है, लॉन्ग थोरेसिक, आई मीन लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्ट होता है, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली कहाँ जाएगी, अप टू डाउन, ये हमारी बेसिकली आपको पता होगा हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल आपको कहाँ मिलती है, थोरेसिक वाल के, आई मीन लेटरल थोरेसिक वाल के साइड मिलती है ना, लेटरल साइड मिलती है, थोरेक्स में लेटरल साइड मिलती है सीरेटस एंटीरियर मसल। तो बेसिकली अप टू डाउन रन करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पास डाउन, मतलब मैं इस नर्व के, आई मीन लॉन्ग थोरेसिक नर्व के कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो पास डाउन लेटरल थोरेसिक वाल ओके ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सीरेटस एंटीरियर। सीरेटस एंटीरियर मसल, मतलब देखिए हमने पूरा का पूरा क्या लिखा है कि हम लिख रहे हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व का कोर्स, कि बेसिकली ये लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स रखती है, कैसे रखती है, ये अप टू डाउन ऊपर से नीचे डाउन रन करेगी, कहाँ पे रन करती है, लेटरल थोरेसिक वाल पे, मतलब थोरेसिक वाल के लेटरल साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो सीरेटस एंटीरियर मसल होती है, क्योंकि ये सीरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, तो सीरेटस एंटीरियर मसल के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ओके, सीरेटस एंटीरियर मसल के भी एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसी कारण इस नर्व के, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने अगर ब्रेस्ट पढ़ा हो तो ब्रेस्ट का जो बेस होता है, या फिर ब्रेस्ट मतलब आपको बताऊंगा ना, ब्रेस्ट सीरेटस एंटीरियर मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब जब भी हम ब्रेस्ट की सर्जरी करेंगे, या फिर ब्रेस्ट में कोई कार्सिनोमा हो गया, ब्रेस्ट के अंदर जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें कोई कार्सिनोमा हो गया, तो बेसिकली हमें ब्रेस्ट को कट करना पड़ेगा। ब्रेस्ट को कट करना पड़ेगा तो बेसिकली ब्रेस्ट के जस्ट नीचे क्या होती है, सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, अगर ये मसल होती है तो इसी की एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, मतलब कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हमारी इस नर्व के डैमेज होने के चांस होते हैं, इसीलिए हमें ब्रेस्ट सर्जरी को ढंग से करना चाहिए कि हमारी ये नर्व डैमेज ना हो। ओके, तो रीजन्स में हम वही लिखेंगे, रीजन क्या है, ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी ओके तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, हमने बोला ना हम ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे, तो बेसिकली हमारा ब्रेस्ट कहाँ होता है, सीरेटस एंटीरियर मसल के ऊपर रखा होता है। तो इस नर्व के, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली सीरेटस एंटीरियर मसल के एक्सटर्नल सरफेस पे तो ये नर्व प्रेजेंट होती है, इसीलिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट सर्जरी इस नर्व के डैमेज होने के चांस होते हैं। अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो आफ्टर सर्जरी बंदे को क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, या फिर हम जब भी ब्रेस्ट का रिमूवल करते हैं, ओके, ब्रेस्ट के रिमूवल को एनाटॉमिकली क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी मतलब इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ओके, तो हम अगर जब भी ब्रेस्ट का रिमूवल कर रहे हैं कैंसर के ड्यूरिंग, तब भी हमारी ये नर्व डैमेज हो सकती है। ओके, एंड आफ्टर सर्जरी पेशेंट को क्या हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ओके, रिजल्ट्स मतलब बंदे को विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया, हमारी ये नर्व डैमेज हो गई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो गई, तो अब हमें बंदे में क्या देखने को मिलेगा, तो बस वही, ये मसल क्या करती है, सीरेटस एंटीरियर मसल, ये पैरालाइज हो गई। ये पैरालाइज हो गई मतलब कि स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करने वाला कोई भी नहीं है,
क्योंकि ये मसल ही तो स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती हैं। अगर ये मसल डैमेज हो गई, ये मसल पैरालाइज हो गई, तो स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करने वाला नहीं है। तो बेसिकली स्कैपुला क्या होगी, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, देखिए ना मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को ही तो फॉरवर्ड पुल करती है, उसी से अटैच होती है तो उसी को पुल करेगी फॉरवर्ड। तो बेसिकली मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हमारा बाहर की तरफ एलिवेट कर जाता है, तो रिजल्ट में क्या मिलेंगे, मीडियल बॉर्डर। रिजल्ट में हुआ मीडियल बॉर्डर एंड इन्फीरियर एंगल। देखिए इन्फीरियर एंगल को इसलिए लिख रहा हूँ, माना कि हाँ इन्फीरियर एंगल से ये मसल अटैच नहीं है, लेकिन हमें आपको इन्फीरियर एंगल से अटैच नहीं है फिर भी हमारा इन्फीरियर एंगल ज़्यादा एक्सटेंड करता है। ओके, तो मीडियल बॉर्डर एंड इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला एलिवेट। ओके, तो इस मसल के पैरालाइज होने के कारण हमारा मीडियल बॉर्डर बेसिकली फॉरवर्ड नहीं जा पाएगा, तो हमारा पीछे की तरफ बैक साइड एलिवेट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हमारा इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला भी एलिवेट होगा। और इन दोनों में से, मतलब मीडियल बॉर्डर भी एलिवेट करेगा, इन्फीरियर एंगल भी एलिवेट करेगा, तो इन दोनों में से ज़्यादा एलिवेशन होता है इन्फीरियर एंगल का। देखिए कन्फ्यूजन मत होना, इन्फीरियर एंगल से ये मसल अटैच नहीं होती है। हमने लिखा ना यहाँ पे कि स्कैपुला में ओनली कोस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इसी से अटैच होती है, इन्फीरियर एंगल से अटैच नहीं होती है, फिर भी ये हमारा इन्फीरियर एंगल हमें एलिवेशन दिखने को मिलता है। ओके, ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट विंगिंग ऑफ स्कैपुला। रिजल्ट में आपको दो बातें ध्यान रखनी। ओके, तो वही हमने सबसे पहले बताया कौन सी नर्व डैमेज होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, रूट वैल्यू C5 C6 C7, कहाँ पड़ते हो, ब्रेकल प्लेक्सिस के अंदर। देन हमने फोर्थ पॉइंट बताए सप्लाई, इसका लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स होता है। देन इसके रीजंस की ये नर्व कैसे कैसे डैमेज हो सकती है, देखिए ये हमने कुछ ही रीजंस बताए हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं इस नर्व के डैमेज होने के। ओके, तो ये कुछ ही रीजंस बताए हैं। देन फोर्थ में बताया था रिजल्ट कि हमारी ये नर्व डैमेज हो गई, तो हमें पेशेंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, हो रहा है, एक बात बताना भूल गए कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है इसे बोलते हैं नर्व ऑफ बेल। क्या बोलते हैं इसे, नर्व ऑफ बेल। बेल मतलब जो मंदिर की बेल होती है, घंटी होती है, उसे ही उसी के नाम पे है नर्व ऑफ बेल। क्यों, क्योंकि जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं उसमें कौन सी मसल हेल्प करती है, सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, तो सीरेटस एंटीरियर मसल ये हमारी मंदिर की घंटी बजाने में हेल्प करती है, और इसकी नर्व सप्लाई क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसीलिए हम इस मसल ने हमारी मंदिर की घंटी बजाने में हेल्प की, तो इसीलिए इसकी नर्व सप्लाई को, जो इसकी नर्व होती है उसको क्या बोल दिया, नर्व ऑफ बेल, मतलब विदाउट सीरेटस एंटीरियर। अगर आपकी सीरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो गई है तो आप मंदिर की घंटी नहीं बजा सकते। ओके ओके, इसीलिए नर्वो बेल कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट में सप्लाई बताई थी, दिस इज सप्लाई टू सीरेटस एंटीरियर मसल, वही इसका इसका एक्शन क्या है, ये स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती है। अटैच कहाँ होती हैं, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच होती है, मीडियल बॉर्डर पे भी कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस पे, यहाँ बता दिया। देन इसका क्या होता है, लॉन्ग सुपरफिशियल कोर्स कहाँ पे, बेसिकली अप टू डाउन रन करती हैं, लेटरल थोरेसिक वाल पे होगा, लेटरल थोरेसिक वाल पे भी कहाँ होगा, सीरेटस एंटीरियर मसल के एक्सटर्नल सरफेस पे। ओके, क्योंकि बेसिकली सीरेटस एंटीरियर मसल हमारी लेटरल साइड ही प्रेजेंट होती है थोरेक्स में। ओके, आपको बताओगे ना, बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स बेसिकली अपने आर्म्स को ऊपर करके दिखाते हैं, तो बेसिकली आपको ये सीरेटस एंटीरियर मसल उनकी बहुत प्रोमिनेंट दिखती है, आपको अपने साइड में फिंगर्स डिजिट्स टाइप में दिखेगी बॉडी बिल्डिंग में। देखना बॉडी जिसकी हेल्थ हाइट हो बढ़िया, जो जिम विम करता हो बंदा, उसको आपको जो बंदा जिम विम करता है उसकी सीरेटस एंटीरियर मसल आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी। ओके, देन रीजंस क्या आते हैं, ड्यूरिंग ब्रेस्ट सर्जरी, क्योंकि बेसिकली सीरेटस एंटीरियर मसल हमारे ब्रेस्ट मतलब इस मसल के ऊपर हमारा ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। ओके, एंड मैसेक्टोमी ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ये दो रीजंस हो गए, दो रीजंस के कारण हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है या हो जाती है, इसीलिए हमें ब्रेस्ट सर्जरी या फिर जब भी ब्रेस्ट को कार्सिनोजन होता है, कार्सिनोमा होता है, या फिर हमें जब भी हमारे एक्जिलरी निम्फ नोड्स निकालने होते हैं आर्म के, तो हमें सेफ्टी से निकालने चाहिए। सेफ्टी मतलब हमें इस नर्व का ध्यान रखना चाहिए कि ये नर्व हमारी डैमेज ना हो। रिजल्ट्स वही
मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुलस अटैच है, तो बेसिकली मीडियल बॉर्डर इस मसल ने क्या किया, मीडियल बॉर्डर को फॉरवर्ड किया, लेकिन ये मसल पैरालाइज है तो मीडियल बॉर्डर क्या होगा, बाहर की तरफ एलिवेट कर जाएगा। मीडियल बॉर्डर के साथ साथ हमारे स्कैपुला में आपको बताओ तीन एंगल्स होते हैं, तो तीन एंगल्स में से ओनली इन्फीरियर एंगल, ओके, इन्फीरियर एंगल बाहर की तरफ एलिवेट करेगा, दोनों एलिवेट करते हैं, मीडियल बॉर्डर भी एलिवेट करेगा, इन्फीरियर एंगल भी एलिवेट करेगा, बट इन दोनों में से हमारा इन्फीरियर एंगल ज़्यादा एलिवेट करता है। ये बात ध्यान रखना, इन्फीरियर एंगल से ये मसल अटैच नहीं होती है, ये मसल मतलब सीरेटस एंटीरियर मसल, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो आगे आपके लिए बनाता रहूँ। बाय।